वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश ऑन एज हब। आज की वीडियो में हम सेमेस्टर 2 का DSE 4 करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 2, जिसको लिखा है फिलिप सिडनी ने, और इस पोयम का नाम है सोनेट 1, एस्ट्रोपल एंड स्टेला। चलो तो पहले थोड़ा सा अपने पोएट के बारे में जान लेते हैं। पोएट की हमारी लाइफ हिस्ट्री बहुत अच्छी है, बहुत इंटरेस्टिंग है। ये एलिजाबेथ के कोर्टियर थे, उनके बहुत फेवरेट थे, और इन्होंने कुछ पोइट्री लिखी है जैसे कि आर्केडिया, एस्ट्रोपल एंड स्टेला और डिफेंस ऑफ पोइट्री। और ये जो हमारी पोयम है एस्ट्रोपल एंड स्टेला, ये एक पेट्रियार्कन सोनेट है। आपको पता है पेट्रियार्कन सोनेट क्या होता है? पेट्रियार्कन सोनेट वो होता है जिसमें 14 लाइंस होती हैं, ऊपर की 8 लाइंस का नाम होता है ऑक्टेव, और बाकी की जो नीचे 6 लाइंस बच गई उसका नाम होता है सेस्टेट। चलो आओ थोड़ा सा पहले शॉर्ट में पढ़ लेते हैं क्या है इस पोम में। जो हमारे फिलिप सिडनी हैं वो अपने आप को एस्ट्रोपल बोलते हैं, और अपनी जिनको लव करते हैं उनको बोलते हैं स्टेला। एस्ट्रोपल का मतलब होता है स्टार लवर, और स्टेला का मतलब होता है स्टार। और वो अपनी लवर जिनको वो बहुत लव करते हैं वो उनको दूर से देखते हैं, बिल्कुल एक तरफा आशिक की तरह। बट एक प्रॉब्लम है इसमें कि वो वर्ड्स ही नहीं फाइंड कर पा रहे क्या बोलें जिससे वो एक ही बार में पट जाए। फिर फाइनली हमारी गॉडेस म्यूज आती हैं, फिर एडवाइस करती हैं, अपने शब्दों में लिखो बेटा, बहुत रीमिक्स चल रहे हैं आजकल, ओरिजिनल लिख लो तुम भी। चलो पहले अपनी पोइट्री पढ़ लेते हैं क्या है। लाइन्स 1 से 8 में लिखा है, लविंग इन ट्रूथ एंड फेम इन माई वर्ड्स लव टू शो That she, dear she, might take some pleasure of my pain. Pleasure might cause her read, reading might make her know, knowledge might pity win, pity grace obtain. I sought with words to paint the blackest face of woe, studying inventions fine, her vice to entertain, of turning others, leaves to see if thence would flow, some fresh and fruitful showers upon my sunburnt. चलो इसका मीनिंग जानते हैं कि कवि क्या कहना चाह रहे हैं लाइन्स में। पोएट इसमें बोलते हैं कि वो उनका लव बहुत प्योर है, बट वो कन्वे करना चाहते हैं यही अपना प्योर लव अपनी लवर पेनेलोपी के लिए, जिनको वो बहुत चाहते हैं। और वो चाहते हैं कि ये लेटर पढ़ते ही, और ये जो पोम है पढ़ते ही वो बोले यही है मेरा बंदा, वो मतलब फर्स्ट गो में ही उनसे इम्प्रेस हो जाए, उनको सारे पचल जाए भावना इन पोएट की कि वो क्या कहना चाहते हैं उनके लिए। बट एक बुरी बात है इसके अंदर कि वो उनको वर्ड्स ही नहीं मिल रहे, क्या बोले वो, क्या लिखें ऐसा वो। आगे देखते हैं हम क्या बोलना चाहते हैं। वो इसी मिजरी में है कि एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं उनको मिल रहे, बुक्स पे बुक्स देखते जा रहे हैं, ये बुक वो कभी वो बुक कभी ये पोएट का देख रहे हैं कभी वो पोएट, उनको कोई इंस्पिरेशन मिल नहीं रही, उनके दिमाग में कुछ आ नहीं रहा। देखते हैं आगे क्या बोल रहे हैं हमारे पोएट लाइन्स 9 to 14 में। बट वर्ड्स केम हॉल्टिंग फोर्थ वॉन्टिंग इन्वेंशन स्टे इन्वेंशन नेचर्स चाइल्ड Fled step dam, studies blow, and others' feet still seem but stranger in my way. Thus great child to speak and helpless in my throes, biting my drowned pen, biting myself for spite. Fool said muse to me, look in thy heart and write. देखते हैं हमारी कवि इसके मतलब क्या है। इधर बोर्ड बोल रहे हैं, दिमाग में वर्ड्स आ रहे हैं पर बहुत धीरे धीरे आ रहे हैं, मतलब एकदम फ्लो में नहीं आ रहे, बहुत धीरे धीरे आ रहे हैं। बोलते हैं ऐसे कोई पोएट नहीं बन जाता, वो एक इंस्पिरेशन से आती है, वो एक नेचर का बच्चे की तरह है कि वो एकदम धीरे धीरे करके दिमाग में आती है, जिससे हम एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनता है लास्ट में जाके। बट पोएट इधर एक हेल्पलेस चाइल्ड हैं जो उनको कुछ समझ नहीं आ रहा क्या लिखें वो अपनी लवर के लिए, क्या लिखा जाए। बट फिर वो आगे अपना पेन चबा रहे हैं, वो सोच रहे हैं क्या एक्यूरेट वर्ड्स में लिख सकता हूँ। फिर लास्ट में म्यूज आती हैं जो गॉडेस ऑफ पोएट्री हैं, वो बोलती हैं बेटे
पोएट्री लिख, अपनी खुद की लिख, कोई इंस्पिरेशन नहीं आने वाली, खुद से लिख। बहुत रीमेक्स चल रहे हैं वैसे भी आजकल, तो खुद अपनी लिख, वो इम्प्रेस हो जाएगी, मेरा बुरा आशीर्वाद है। और यहाँ पे हमारी पोइट्री ख़त्म होती है। बट सुनो सुनो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना ना। थैंक यू।